से कुटिया में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है और मोबाइल का ज़माना है, नेट इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो दिल्ली अब दूर नहीं रहा। इसको ऐसे करके नहीं देखते थे, बिल्कुल रूम बंद है, इसको ना हवा का कुछ लगता था ना धूप का, लगता था कि कोई अंधेरे कोठरी में बंद होके पढ़ रहा। इसके लगन को हमने देखते हुए इसका साथ नहीं छोड़ा। कोचिंग संस्थान की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? हम मन में सोच लिए कि बच्चा मेरा कुछ ऊंची उड़ान सोचता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं खुशी और जश्न का माहौल के बीच में, हम हैं आलमगंज थाना अंतर्गत गुलजारबाग का क्षेत्र पड़ता है, जय हिंद गली में है। पटना सिटी में भी है होनहार, तो कहते हैं क्या कि नहीं पटना सिटी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मैं नहीं मानता हूँ। आज हमारे बीच है पटना सिटी के निवासी हैं, एक छोटे से कमरे में कैसी तैयारी की जाती है वो इनसे सीखे। ये है मोहम्मद सद्दाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से। पहले तो आपको अपने संस्था और चैनल के माध्यम से आपको ढेरों सारी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को रियलिटी दिखा रहे हैं और गुलजारबाग एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं, आप बता के लोगों को, लोगों तक न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामयाबी का सफ़र बताएं। कामयाबी का सफ़र, क्योंकि अगर देखा जाए तो BPSC एक टफ़ एग्ज़ाम है, बिहार में टफ़ एग्ज़ाम माना जाता है। 3 साल लगातार प्रयास करने के बाद रिजल्ट आता है, तो एक तो मेहनत तो रहती है, लगन भी चाहिए इसमें, तो लगन और मेहनत के साथ अगर आदमी लगा रहे इसमें तो एक सफलता ज़रूर मिलती है इसमें। और ये कामयाबी का श्रेय किनको देते हैं? मैं इस कामयाबी का श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से हम लोगों की परवरिश की और यहाँ तक इस मुकाम तक हमको पहुँचाया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और हर स्टेज पे हमारे साथ रहीं और हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। सद्दाम जी, एक बात बताइए, एक छोटे से कमरे में क्या कैसी तैयारी, तो बहुत टफ हो गया होगा। बिल्कुल, तैयारी टफ होती है, तैयारी कमरे से नहीं होती, माइंड से होती है। अगर माइंड में आपके है कि एक टारगेट को अचीव करना है तो कमरा इंपॉर्टेंट नहीं करता है, छोटे से कुटिया में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है और मोबाइल का ज़माना है, नेट इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो दिल्ली अब दूर नहीं रहा। लोगों का कहना है कि दिल्ली जाएंगे तभी तैयारी होगी, तो अब वो नहीं रहा, हर चीज़ अवेलेबल। आपको मैटर करता है कि आप कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसकी तैयारी के लिए कितने घंटे की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, मैं ऐसे तो कभी नोट मैंने नहीं किया मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा मन करता रहता था मैं पढ़ता रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा दिन मैं बैठ जाता था नहीं पढ़ता था, और कभी कभी पूरे दिन पूरी रात पढ़ता था मैं। तो एक ये होता है, प्रिपरेशन में आपको जेल की तरह नहीं रहना है, टफ़ रूटीन नहीं बनाना है आपको, आपको बिल्कुल कूल माइंड होकर पढ़ना है, जब मन करे पढ़ा, नहीं मन करे बिल्कुल किताब बन के बैठ के जाइए। सेवा किस तरह के आप देना चाहेंगे, कौन से विभाग में? ऐसे तो इससे बहुत तरह के इसमें अधिकारी बनते हैं, आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस विभाग में? देखिए, रुचि तो सबकी होती है कि ऊपर SDM बने या DSP बने, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं बन नहीं पाया। अभी मैं प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूँ कारा विभाग में, तो मैं चाहूँगा कि अगला जो मैं एग्ज़ाम दूँ उसमें SDM के लिए और UPSC आगे देना चाहूँगा। इसकी तैयारी के लिए कहाँ कोई कोचिंग संस्थान में आप? जी, कोचिंग संस्थान की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास सिलेबस और क्वेश्चन बिल्कुल था, तो मुझे पता था कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो मेरे अंदर जो जज्बा था मैं उस जज्बे को बस प्रेजेंट किया मैंने, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और सिलेबस देख के मैंने तैयारी की और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। क्योंकि तैयारी के समय तो बहुत से लोग क्या होता है कि बेहतर कोचिंग देखा जाता है, और आपने कोचिंग भी नहीं की है। बेहतर कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो सारी चीज़ें किताब में आपको लिखी हैं, कोई टीचर अलग से चीज़ नहीं बताता, जो किताब में लिखी है वही चीज़ बताते हैं टीचर। तो अगर आप खुद से पढ़ के समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप खुद से करें, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अभी भी पटना सिटी, पटना साहिब जो है बहुत ही एक दूसरे नज़र से लोग देखते हैं, खास करके शिक्षा के अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या अभी भी जो सफलता जो मिली है, तो क्या ऐसे लोगों को क्या सीखने का मौका मिलेगा या नहीं? बिल्कुल सीखने का मौका मिलेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आदमी की मेंटेलिटी चेंज हो रही है तो वो कोई सा भी एरिया हो, सलम एरिया हो, चाहे कोई सा भी एरिया, वहाँ से बिल्कुल सफलता हासिल की जा सकती है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि एरिया अगर ख़राब है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए और दिमाग में वो टारगेट फिट होना चाहिए कि हमको बस सक्सीड करना है किसी भी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि अभी भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश?
उनके लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि तैयारी निरंतर करते रहें और जिस इंटेंसिटी के साथ आपने स्टार्ट किया है उसी इंटेंसिटी के साथ आप ख़त्म करें। एक होता है कि आप हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को आप पकड़िए और उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं एक टॉपिक पर, तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और जैसा पैटर्न है उस हिसाब से पढ़ें तो आप बिल्कुल सक्सीड करेंगे। चाहूँगा कि सद्दाम हुसैन जी का पिताजी रेलवे में एम्प्लॉय थे, और कब जब इनकी जब उम्र का बिल्कुल बचपना था उस समय इनके पिताजी लापता हो गए थे, लेकिन एक जुनून एक जज्बा होती है। सद्दाम हुसैन के माता जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी रेलवे में एम्प्लॉय हैं, बेटा तो आपका अधिकारी बन गए, अब कैसा लग रहा है ये बताइए? हमको बहुत खुशी लग रहा है, हमारी मेहनत और बच्चों की लगन हमारे लिए सराहना दे रहा है। हम इन लोगों के साथ साने बसाने लगे रहे, बिल्कुल इन लोग का साथ नहीं छोड़ा। हमारी दुनिया एक तरफ थी और इन बच्चों के साथ मेरी दुनिया एक तरफ थी। हम क्या बताएं अपना खुशी का इजहार, जिस दिन से सुने हैं और रिजल्ट निकलने से पहले हमको लगता था पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चिंतित जनक रहते रहे। इतने में इन्होंने जब घर अकेला था, सब लोग छोड़ के चले गए, सिर्फ माँ बेटा, बात को देखा कि माँ मेरी जब इतना कर सकती है मैं उससे ऊँची छलांग लगा सकता हूँ। ये बच्चा हमारा 3 साल से बीटेक करके अलीगढ़ से, जिसमें हमने ठिकरा बटोर के इसकी पढ़ाई को जारी रखा, रखने के बाद हमने खाना बनाया नहीं बनाया, बच्चा मेरा उफ तक नहीं किया, रात की बासी रोटी, रात का कुछ भी बचा हुआ खा लिया, हमको पता नहीं चलने दिया। मैं तो पागल की तरह नौकरी करने चली गई, और वो भी हमारा डी ग्रुप का नौकरी, कोई हमारा हाई रैंक का नौकरी नहीं, और उसमें 7 बच्चे को देखना, बिल्कुल छोटे छोटे इन लोग थे। मेरा ही भावना रहा मैं शिक्षा दूंगी दीक्षा दूंगी, अच्छा इन लोग बने, किसी के आगे लोग सर नहीं झुकाए, इसके आगे लोग सैल्यूट दे, ये हमारा भावना शुरू से रहा। मन को एकदम बांध लिए थे कि हमारे मन में जो है भगवान कोई नहीं पूरा करेगा, मेरा भगवान मेरा बच्चा पूरा करेगा, मेरे सपना को मेरा बच्चा पूरा करेगा और कोई नहीं करेगा। मैं इसी में लगी रही। अब बिल्कुल अपने को एकदम, ये बच्चा भी हमसे बात नहीं करता था, मैं मन में भावना बना क्या बात है मेरा बच्चा बात नहीं करता, हम मन में सोच लिए कि बच्चा मेरा कुछ ऊँची उड़ान सोचता है, खाना बनाए भागे पलट के इसको ऐसे करके नहीं देखते थे, बिल्कुल रूम बंद है, इसको ना हवा का कुछ लगता था ना धूप का लगता था, कि कोई अंधेरे कोठरी में बंद होके पढ़ रहा। इसके लगन को हमने देखते हुए इसका साथ नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये दिन की माता जी और तमाम जो संघर्ष है वो संघर्ष को दर्शाने के बजाय का ये नतीजा है कि आज इनके पुत्र पहली बार में, जी हाँ ये भी है कि बिल्कुल जो निगाह देखने वाली है, पहली बार में इनकी सफलता हुई है। ऐसे साथ आप देखते रहिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ में, सबक है।